रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई थोड़ा सो लो भाई, बस 5 मिनट में फोन आएगा। 2 दिन से नहीं सोए भाई। अरे मरने के बाद टाइम बहुत मिलेगा अपन को सोने का। वो फोन आएगा, बस 5 मिनट में आया। सर आप किधर थे? अपना ऑफिस वापस लेने की प्लानिंग कर रहा था। ये लोग कौन है सर? दुश्मन के दुश्मन, अपने दोस्त। यही मौका है, कुछ कर दिखाने का। जान से नहीं छोड़ सकते। चल दादा, तुमको पता है मेरा निशाना कैसे है? हाँ तेरे साथ, तू टेंशन काहे को लेते हैं? सामने से टूटने का उसको। ये बम ले जाके वहां फोड़। जब ये पूरी सिक्योरिटी इधर आएगी तो अपने भाई लोग पीछे से अटैक करेंगे। जैसे आज कदम मेरे ही लोग मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वैसे ही मैंने कभी लाला के आदमियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था। भाई ना, नई पिक्चर बना रहे ले। क्या स्टार लोग लिए उसने, मस्त मस्त एकदम। अच्छा हाँ, और कौन कौन लिया रहे? अरे भाई वो आकाश है, अपनी वो रिद्धिमा है, भाई सूरज कपूर अपना हीरो हीरो भी है उसमें। एक नई लड़की के साथ है ना, वो कर रहे लॉन्च कर रहे उसको, लैला नाम है। वो जो पार्टी में थी ना उसने, क्या नाचती है भाई, सफेद ड्रेस वाली लड़की, वही चेक। ये वही लड़की ना जो उसने बीमार हो गई थी? कौन बीमार भाई? भाई वो तो पार्टी के बाद सीधा बम्बई चली गई। मैं अपनी आंखों से देखा, नवाब भाई ने सावला को बोला उसको एयरपोर्ट छोड़ने को। हेलो प्रदीप। लाला भाई, अपन को लैला चाहिए। मगर भाई अपन वार्निंग नहीं देगा, समझा ना? अपन को लैला चाहिए जी। दादा मुहूर्त शॉट, सीन वन, शॉट वन, टेक वन, डे नाइट, ऑल बेस्ट। अपना हफ्ता भूसे में भी जाता है। मेरे दादा भाई गहरी है और दादा भाई जेल में है, अबुन तो इधर छह ना। निकल। मेरे बाप की आत्मा को उस दिन असली शांति मिली होगी। उसकी मौत का जिम्मेदार पक्किया तो कब का मर चुका था, पर उसके पीछे की असली ताकत दादा भाई आज खत्म। दादा भाई और लाला दो बड़े हाथी थे बम्बई अंडरवर्ल्ड के, एक एक करके ही गिराया जा सकता था उन्हें। पहले दादा भाई की मदद से मैंने लाला को बंबई से भगाया, फिर मस्तान की मदद से दादा भाई को मरवाया। अगर तूने उस दादा भाई को ठिकाने लगा दिया ना, तो तू जो बोले वो तेरा, जो बोले आजमा कर देख लो, और खरा नहीं उतर पाया तो ये खंजर अब उन खुद अपने अंदर घुसेड़ देगा। बंबई में बस एक ही डॉन बचा था अब, नवाब भाई। पर माहौल अभी बहुत गर्म होने वाला था। उसके ठंडे होने तक मैं बैंकॉक निकल गया। अब मस्तान को भी मानना ही पड़ेगा कि असली हीरो मैं ही हूं। आज इस लड़के ने वो काम करके बताया है जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। नवाब, आज से तू नवाब नहीं, नवाब भाई है भाई।
बंबई का राजा है तू भाई। ये पुलिस वाले इसका फोटो लेके आते हैं मेरे पास। उस पुलिस वाले को तो लगा था कि हम लोग को तोड़ देगा, लेकिन नहीं, किसको पता था कि ये सारा प्लान जो है नवाब का है। इसी खुशी पर जश्न मनाएंगे हम सब, आज रात तेरी। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। मस्तान ने खुद मुझे बंबई का राजा घोषित कर दिया था। लाला को यह बात हजम नहीं होने वाली थी, इसलिए उसने मेरा कान मारने के लिए प्रदीप को हूल देके लैला को इंडिया से पहले ही बुला लिया था। मालूम नहीं उसको कैसे पता चला लैला में मेरी जान अटकी है। लाला अपने भेड़िये जैसे पंजे लैला पे गाड़ना चाहता था और ये मैं किसी भी कीमत पे होने नहीं दे सकता था। लैला के लिए मैं कुछ भी दांव पे लगा सकता था, अपना पावर, पोजीशन, वफादारी, सब कुछ। नवाब भाई, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। क्या किया तूने? नवाब भाई, वो लाला भाई का फरमान था कि उनको लैला चाहिए, मैं बीच में फंस गया बस। सुन 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 सुन, लैला को यहाँ से जल्दी से निकाल, अभी के अभी निकाल। नवाब भाई, अगर लाला भाई को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार। लैला कोई लॉलीपॉप नहीं है और ना लाला कोई बच्चा। लेकिन नवाब भाई, प्रदीप भरोसा रखा अपन पे, वादा आया अपन का, कुछ नहीं होने देगा तेरे को। निकाल जल्दी। नवाब, क्या मस्त लड़की को हीरोइन बनाया तू। अपन को तेरी पसंद ना पसंद आ गई। आज रात को लैला अपन की हीरोइन बनी। भाई, आपने बोला था ना, अपन को जो चाहिए वो अपन मांग सकता है। बेशक। अपन को लैला चाहिए भाई। औरत का दिल चाहिए होता है तो औरत से बात करनी पड़ती है। हाँ, हम तो सिर्फ दुआ दे सकते हैं भाई। तू बोल भाई, अपन दुआ की बात कर रहे हैं ना, दुआ ही तो चाहिए। आपकी दुआ चाहिए भाई, मस्तान भाई की दुआ, ताकि कोई अपन के रास्ते के बीच ना आ सके। लाला। हाँ भाई। आज से जो लैला है ना, वो नवाब की। वो लैला? देख, मैंने इसको जबान दी है, एतराज है तेरे को? नहीं भाई, वो तो ऐसे ही टाइम पास थी। आज से लैला तेरी नवाब, जैसे बंबई तेरी, सब तेरा ही तो पगले। बस एक बात याद रखना, ये गैंग हमारा है और मालिक और कुत्ते में फर्क होता है। अब मालिकों में उठना बैठना है अब उनका, तो कुत्तों का कुत्ते जाने। लाला, बंबई का डॉन है ये, सोच समझ के। बात बता, ये जी भाई, ये जो लैला है, ये लड़की इस लायक है?
भाई सच बोले तो अपुन ही सोचता है कि अपुन उसके लायक है या नहीं। देख कुछ लड़कियां जो होती है ना आग की तरह होती है और कुछ दरिया। आग को बुझा सकते हैं लेकिन दरिया अगर बहक गई ना तो सबको डुबा ले जाती है, समझा? भाई जो लोग डूबने से डरते हैं वो किनारे पे रह जाते हैं। इश्क के मायने समझ गया है तू? सुन, धंधे पे आंच नहीं आनी चाहिए। जी भाई। क्या रे? तेरी लॉटरी लग गई क्या? कुछ ऐसा ही समझो भाई। लिंग? बाहर की है। अरे इधर की है, अपन बाहर के। हाँ भाइयो, अपुन की बीवी लिन, लिन फैमिली। नवाब ये डैनी है, लिन का भाई, बैंकॉक पुलिस में काम करता है। पुलिस? हाँ। डैनी, नवाब मेरे और मानसवी की तरफ से। सुन। हाँ भाई। ये प्रदीप काय को नहीं आया? वो तो होटल में था रात में। लाला ने काम से बुलाया था। सुन, ड्राइवर को बोल दे गाड़ी निकालने, एयरपोर्ट जाना है। भाई लाला आस्क्ड यू टू मीट हिम नाउ। नवाब, मेरे को मालूम है अपुन के धंधे में एक दूसरे को भाई क्यों बोलते हैं। मालूम है भाई, पूरा सुन। ए मच मच, लड़ो मरो सर फोड़ो एक दूसरे का, ये अपुन इतना फैमिली एक दूसरे का असल में, समझा? कुछ देना उनको बात समझ में नहीं आता है और इसी असूल पे धंधा टिका है। कुछ हुआ है भाई? अपना फैमिली में एक निकला पुलिस का इन्फॉर्मर। खबरी खबरी मुझे जैसे पता चला मैं मस्तान भाई को बताया, वो बोला टपका साले को। प्रतीक नहीं भाई, भाई कुछ गलती हुई भाई, ऐसा नहीं है। तुम उसके झूठ बोल रहे हो? झूठा नहीं भाई, भाई। सुना नहीं मैं, जोर से बोल। नहीं भाई, समझता रे तू? जैसे मस्तान भाई अपने को समझता, इसीलिए इस गैंग के लिए मार। मच मच कतार याकूब, भाई बन के तेरा पीठ में चुरा को भाई
वो साले को। नवाब, नवाब, कहते हैं ना कुत्ते वफादार होते हैं, पर कई कुत्ते अपने मालिक को काट फेंकते हैं, और ये लोग कदम के भेजे हुए कुत्ते हैं। अंडरवर्ल्ड में इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत लोगों की मारी थी मैंने, अच्छे भी बुरे भी। किस्मत मेरे पापों का हिसाब मांगने सामने आ गई थी, मेरे सर पे बंदूक ताने।